तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम निकल रहे हैं कोट के मंदिर में, कोट भ्रामरी का मंदिर जो कि है गरुड़ बैजनाथ के पास में। तो अभी मैं हूँ गाड़ी के अंदर में, तो रोड का सफ़र का आनंद लेते हुए, रोड का मज़ा लेते हुए, उत्तराखंड की जो टेढ़ी मेढ़ी भूमि सी सड़कें हैं उन चीज़ों का आनंद लेते हुए चलते हैं आगे को। तो रोडें कुछ इस तरह से उत्तराखंड में होती हैं, साफ़ रोडें होती हैं यार। यहाँ पे ना झाड़ू लगाने के लिए कोई रोड पे नहीं आता। एक दिन मेरा एक दोस्त मिला था मुझे बोलता है कि आप लोग के यहाँ पे यार रोडें इतनी साफ़ क्यों होती हैं। तो मैंने उसको बोला था भाई हमारे वहाँ गंदगी कोई नहीं करता है। तो आप लोग भी अगर उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं तो यार इधर उधर गंदगी ना ही करें तो ही बेटर है। कुछ इस तरह का व्यूज़ चारों तरफ से आज दिखाई दे रहा है। धूप बहुत अच्छी खिली है, मौसम तो काफ़ी ठंडा है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं फटगली पे और यहां से एक रास्ता ऊपर को जाता है जो जाता है यहां पर से चर्च की ओर। ये है फटगली गांव और यहाँ से एक रास्ता जाता है ऊपर को चर्च की ओर। यहाँ पे एक चर्च भी है, काफ़ी प्रसिद्ध चर्च है। यहाँ से ऊपर को जाते हैं यहाँ से। तो बात करूँ यहाँ पे जो खेत होते हैं, ये खेत होते हैं इसे सीढ़ी नुमा खेत, इन्हें सीढ़ीदार खेत भी कहा जाता है। और अगर बात करूँ यहाँ की नॉर्मल लैंग्वेज में इसे शेरा कहा जाता है, शेरे या फिर शेरे वाले खेत कहा जाता है, शेरा कहा जाता है। इनमें धान गेहूँ की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सामने जो आप लोगों को अभी दिखाई दे रहे हैं पूरे सीढ़ी नुमा खेत, ये पूरा का पूरा वही शेरे हैं जहाँ पे धान और गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो देखो यहाँ पे हो रहा है पहाड़ी आईपीएल, बहुत तगड़ा तरीके से यहाँ पे लड़के खेलते हैं, उसके बाद जाते हैं रणजी खेलने के लिए। कोई ना कोई धोनी, कोई ऋषभ पंत या कोई कोहली इनमें से भी निकलेगा बाहर यहाँ से। तो यहाँ से बॉल मारते होंगे पक्का, पानी में इनकी बॉल ना खो जाती होगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है पहाड़ों में। मैं यमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की चाम, ऐसे ही है ना। हाँ उसकी जुल्फ। मैं बिस्तर तान के लेट गया, जब जागा मैं भागा सारे सिग्नल तोड़ रास्ते पे, नहीं क्या है सड़क पे मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। तो कोट भ्रामरी के मंदिर पे हमें पहुंचना है और ये यहाँ से है 5 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है। अभी मैं हूँ बैजनाथ पे, बैजनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है कोट भ्रामरी मंदिर। बैजनाथ है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, गरुड़ के पास में। और यहाँ से मैं अगर बात करूँ केदारनाथ की तो 200 किलोमीटर, बद्रीनाथ 220 किलोमीटर, गंगोत्री 385 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप चारधाम यात्रा के लिए भी रूट जाता है, तो आप वहाँ से चारधाम यात्रा को भी जा सकते हैं। तो ये आ गई डायलॉग की दूसरी गाड़ी। हेलो हाय। तो अपन लोग तो दूसरी गाड़ी में। हेलो हेलो। यहाँ देखो काव्या सोया हुआ है, सिद्धार्थ को लग गई होगी भूख। दाई है उधर भी, दाई बैठे क्या कर रहे हैं ना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने बताया था मैं जा रहा हूँ कोट भ्रामरी के मंदिर में। कोट भ्रामरी मंदिर जो है वो है बैजनाथ के 5 किलोमीटर ऊपर, गरुड़ से पास में ही पड़ता है बैजनाथ, और बैजनाथ से ये पड़ता है 5 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ का कुछ नज़ारा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से जो व्यूज़ दिख रहे हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। सामने मेरे ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं ये है त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत इस साइड में, और साथ में इस साइड ये पूरा का पूरा चौखंबा पर्वत श्रृंखला है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से यहां से व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहां से गेट की शुरुआत है और छोटी मोटी यहां पे कुछ दुकानें हैं जहां पे मिलती है मंदिर के लिए प्रसाद और ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं मंदिर की ओर, आगे को बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मंदिर में। Thank you.
तो हम लोग आ चुके थे कोट भ्रामरी के मंदिर में। जैसा मैंने बताया कि हम लोग आज कोट भ्रामरी के मंदिर पे हैं और सामने का व्यू जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो तो बहुत बेहतरीन आ ही रहा है। थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ के बारे में कि ये कोट भ्रामरी का मंदिर है किस चीज का, कब इसकी स्थापना हुई। जैसा कि लिखा गया है इसकी स्थापना के बारे में, यह चंद वंश तथा कत्यूरी राजवंशों के द्वारा बसाया गया मंदिर है, जहाँ पर कि चंद वंश नंदा देवी और यहाँ पे भ्रामरी देवी इस तरह से इसको बसाया गया है। तो कोट भ्रामरी मंदिर पर जो माता को भोग लगाया जाता है वो यहाँ पे गुड़ पापड़ी का मेनली भोग लगाया जाता है, साथ में भैरव के लिए यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। पीछे मेरे हिमालयन व्यूअर्स, मेरी फैमिली वाले सब लोग यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं और सामने सीट नीचे है मेरे मंदिर माता का। तो ये बहुत बेहतरीन मंदिर है। यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ जो यहाँ पे निकली हैं सारी की सारी स्वयंभू हैं। स्वयंभू का मतलब होता है जो भूमि से निकली हुई मूर्तियाँ हैं, वो यहाँ पे कई वर्षों पहले यहाँ पे भूमि से निकली हुई मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे निकली हुई हैं स्वयंभू मूर्तियाँ, उन्हीं मूर्तियों की पूजा यहाँ पे की जाती है माँ भ्रामरी की। भ्रामरी के मंदिर में हम लोग भी कर रहे हैं फोटो सेशन। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में कुछ बेहतरीन शॉट्स के साथ में।